हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजी इज अ ब्यूटीफुल पैराडाइज हॉन्टेड विद अ टेरिबल पास्ट। फिजी की पॉपुलेशन में से 40% फिजी की पॉपुलेशन इंडियन है। सो इतने सारे इंडियन फिजी में कैसे आए, ये इसके पीछे एक टेरिबल हिस्ट्री है, वही हम आज के ब्लॉग में जानने वाले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इंडिया पे ब्रिटिश सरकार राज करती थी, वैसे ही फिजी में भी ब्रिटिश सरकार का ही राज था। उन्होंने इंडिया से कुछ लेबर उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने इंडिया से कुछ लेबर फिजी में लाए ताकि यहाँ पे गन्ने की खेती कर सके, प्लांटेशन कर सके। 14 मई 1879 में फर्स्ट शिप इंडियंस का फिजी में आया। इंडेंचर लेबर सिस्टम और इसी को ही गिरमित्याज भी बोला जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत बहुत सारे इंडियंस को फिजी लाया गया था 14 मई को। आज भी फिजी में 14 मई गिरमिट डे करके सेलिब्रेट होता है फिजी में। उनको कुछ पैसों का लालच दिखाया गया है कि लाइक यहाँ पे आकर उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा, उनको घर मिलेगा, खाना मिलेगा, 5 साल का करार रहेगा, उसके बाद आप बहुत सारा पैसा कमा कर अपने घर जा सकते हैं। तो ऐसे उनको लालच दिखाया तो बहुत सारे इंडियंस रेडी हो गए और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो ज़बरदस्ती फिजी लाया गया। उन्होंने अपने फैमिली के, अपने मम्मी पापा बच्चों को लास्ट का बाय बाय भी नहीं बोला और उनको वैसे ही घर से खींच कर लेके आए। और ऑलमोस्ट 42 शिप्स फिजी में आए थे। इंडिया टू फिजी डिस्टेंस ऑलमोस्ट अगर हम प्लेन से आए तो 11,000 किलोमीटर डिस्टेंस है अगर प्लेन से आए तो। पर उस टाइम प्लेन वगैरह तो नहीं था, वो लोग बोट से, शिप से आए थे और शिप्स को ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए उस टाइम वो बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थे। किनारे तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, हमारे साथ क्या होने वाला है, इसका कुछ भी आइडिया नहीं था उनको। आंधी तूफान इन सब से बचकर फाइनली वो थ्री मंथ की डिफ़िकल्ट जर्नी फिनिश करके किनारों तक पहुँच गए। यहाँ पे आके उनको गन्ने की खेती करने के लिए बोला गया। उनके ऊपर एक सरदार अलोकेट किए गए थे जो उन पर बहुत अत्याचार उठाते थे, उनको मारपीट करते थे, उनसे बहुत काम करवाते थे। अपने देश से, अपने लोगों से, अपने घर से दूर आकर किसी दूसरी जगह पर सेटल हो जाना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। पेड़ पे, खेत पे ऐसे लाशें मिलती थी और बहुत सारे लोगों की शिप्स में भी डेथ हो चुकी थी। बाकी लोग 5 साल ख़त्म होने का वेट कर रहे थे ताकि वो अपने घर जा सके। तो ऐसे ही मन मार के उन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट किए और जब रिटर्न जाने का टाइम आया तब उन्होंने, उनके सरदार ने बोला आपको रिटर्न जाना है तो उसके जो फेयर से वो आपको पे करने पड़ेंगे, ये एक ऑप्शन दिया, नहीं तो आप और 5 साल काम करो फिर आपका हम टिकट निकाल देंगे फिर आप जा सकोगे। ऐसे कर करके कुछ ना कुछ बहाना देके उनका हर वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते गए और उनको जाने ही नहीं दिया। और फिर जो इंडियंस यहाँ पे आए थे उन्होंने लाइक बहुत कम ही टाइम में अपना कल्चर के हिसाब से यहाँ पे टेंपल्स, मस्जिद और चर्च बनाए, स्कूल्स बनाए अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर देने के लिए। तो इकट्ठा होकर वो एक साथ रामायण गीता के पाठ किया करते थे, फास्टिंग किया करते थे, इतना अत्याचार सहन करके भी वो फास्टिंग करते और उनके लिए कुछ होप नज़र ही नहीं रहा था। बट यहाँ पे एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो महात्मा गांधी जी के। वो बहुत अच्छे लॉयर थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी कुछ ऐसे ही गिरमित्याज थे जिन पे बहुत अत्याचार हुआ था, औरतों पे बहुत अत्याचार करते थे, उनको मार देते, पीटते थे, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था और इनके खिलाफ वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि फिर उनको वहाँ पे भी ब्रिटिश सरकार ही तो उनको सुनने वाला कोई नहीं था। बट यहाँ पे महात्मा गांधी जी इज अ ग्रेट लॉयर, तो उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ, इस एग्रीगेंट के खिलाफ कोर्ट केस फाइल किया, उस पर खास वो लड़े, सत्याग्रह किया और 1 जनवरी 1920 में उन्होंने ये एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया और ब्रिटिश को फिजी से भगा दिया और यहाँ के इंडियंस आज़ाद हो गए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क डन बाय महात्मा गांधी जी जिन्होंने यहाँ के इंडियन को भी आज़ादी दी ब्रिटिश सरकार के अत्याचार से। जनरली हम लोग सुपर हीरोज याद रखे जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, बट ये गिरमित्याज भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। सो मेरी तरफ से उन हर एक गिरमित्याज को एक बिग सैल्यूट
और ये सब गिरमिट्याज के बारे में अगर आपको और जानना हो तो इसके लिए एक वेबसाइट भी उन्होंने की है, जिसके ऊपर ये सब जो गिरमिट्याज है इनके मतलब इनका इनका पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने उसमें लिखा है पूरा। उस पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, वो बहुत सुंदर है। वो डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यूज़ किए हैं जो गिरमिट्याज थे उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका वेबसाइट आपको बताती हूँ, girmityaz.girmit.org। इस पर आपको पूरे डिटेल्स भी मिल जाएंगे, कौन से शिप्स आए थे, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने सब मेड। इंडियंस है इनको इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, लव है, प्यार है, क्योंकि उनके उनके पूर्वज इंडिया से है। ऑलमोस्ट 60,000 पीपल इंडिया से फिजी में आए थे, और अभी वो मतलब अभी की जो जनरेशन है जो यहीं पे बॉर्न हुई है और यहीं पे ब्रॉट अप हुई है, ऐसे लोगों को इंडो फिजियन भी बोला जाता है। कुछ कुछ घरों में जो इंडिया का ओल्ड ट्रेडिशन है, मतलब जो पाटा वरवंटा होता है, लाइक जो पुराने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यह पुराना एंशियंट तरीका आज भी बहुत सारे घरों में मेंटेन किया है, तो वो देखे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे यहाँ के लोकल इंडो फिजियन लोगों से मिली हूँ, और उनको जब पता चलता है कि हम इंडिया से, तो वो बहुत बहुत सारे सवाल करते हैं कि इंडिया में वो कैसा है, जो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुने हुए होते हैं वही हमको पूछते हैं, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, तो बहुत अच्छा लगता है। फिजी के और भी मज़ेदार किस्से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।